पिछले कई महीनों से हमने प्रभु के वचन से रोमियो नामक पुस्तक का अध्ययन किया था। आज मुझे लगा कि थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए, इसलिए आइए आज हम प्रभु यीशु के जीवन और प्रभु यीशु की शिक्षाओं की तरफ मुड़ेंगे। प्रभु यीशु के बारे में मैं याद दिला दूं, आज से लगभग 6000 साल पहले भविष्यवाणी हुई थी कि मुक्तिदाता इस संसार में आएंगे। लगभग 1000 के करीब भविष्यवाणियां हुई थी, प्रभु आएंगे, प्रभु अपना जीवन अर्पित करेंगे, प्रभु तुम्हारे लिए बलिदान देंगे और प्रभु तुमको नया जीवन प्रदान करेंगे। इन सारी भविष्यवाणियों को पूर्ण करते हुए आज से 2000 साल पहले प्रभु मध्य पूर्व के एक गांव में एक शिशु के रूप में पधारे। जब प्रभु एक शिशु के रूप में मध्य पूर्व में पधारे तो पूर्वी देशों में कई विद्वान जो आकाश का अध्ययन करते हैं और जो प्रभु के वचन का अध्ययन करते हैं, उन्होंने अचानक देखा कि अरे, आकाश में एक नए तारे का उदय हुआ है। इसका मतलब है कि इस दुनिया के मुक्तिदाता का जन्म हुआ है और वो भी पूर्व दिशा में है। इस कारण जरूर यहूदियों के प्रदेश में उस मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। इस तरह से विद्वानों का वो काफिला ऊँटों के ऊपर प्रभु से भेंट करने के लिए निकला और प्रभु से भेंट करके प्रभु को बहुत सी कीमती चीज़ें प्रदान की या भेंट की। इसके बाद कई सालों के बाद जब प्रभु यीशु 30 साल के हुए, तब उनको उनका जब समय आ गया, सेवा काल जिसे हम कहते हैं, तब प्रभु निकल लिए जन जन की सेवा करने के लिए और उनको मुक्ति का संदेश देने के लिए। प्रभु ने उनके जितने अनुयायी थे उनमें से 12 लोगों को अपने शिष्य के रूप में चुन लिया। प्रभु जहाँ भी जाते थे ये 12 लोग प्रभु के साथ जाते थे। प्रभु जो खाते थे वो लोग वही खाते थे, प्रभु जहाँ रहते थे वहीं ये लोग रहते थे। और इस तरह से लगभग 3.5 साल तक इन्होंने प्रभु के साथ रहकर प्रभु की सारी शिक्षाएं पाईं। एक बार की बात है, जब ये लोग इस तरह से जा रहे थे तब एक घटना हुई और वो घटना इस तरह से है। दूसरे दिन वे बैतनिया से निकले तो प्रभु को भूख लगी। प्रभु सनातन ईश्वर हैं, लेकिन जब सनातन ईश्वर ने मनुष्य रूप धारण किया तो मनुष्य के समान ही उनको भूख, प्यास, थकावट सबका अनुभव होता था। तो जब प्रभु को भूख लगी तो यहाँ लिखा हुआ है, दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गए कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़कर कुछ ना पाया क्योंकि फल का समय नहीं था। इस पर प्रभु ने उस पेड़ से कहा, अब से तेरा फल कभी कोई ना खाए। इसका क्या रिजल्ट हुआ ये हम 20वें पद में देखते हैं। 20वें पद में हम देखते हैं, सुबह जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। इस घटना को एक बार जरा हम समझ लें। प्रभु अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, प्रभु को भूख लगी, प्रभु ने अंजीर के एक पेड़ को देखा, सोचा कि उसमें कुछ फल होगा, इसलिए प्रभु अंजीर के पेड़ के पास गए, लेकिन उसमें कोई फल ना पाया। प्रभु ने कहा, आइंदा तुझमें कभी भी फल ना लगे। अगली सुबह जब शिष्यों ने उस पेड़ को देखा तो पेड़
ऊपर से लेकर नीचे जड़ तक सूख गया था। इस घटना से, खासकर जब हम इस घटना को आगे पढ़ते हैं, तो इस घटना से एक बात स्पष्ट है कि प्रभु ने उस पेड़ को शाप दिया था, और प्रभु का शाप उस पेड़ को जो लगा तो पेड़ पूरी तरह से सूख गया था। यह बात क्लियर है, लेकिन एक दो चीज़ें इसमें एकदम से समझ में नहीं आती हैं। उदाहरण के लिए, तेरहवें पद के आखिर में हम देखते हैं, पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया क्योंकि फल का समय ना था। अब सवाल ये उठता है कि यदि फल का समय नहीं है तो प्रभु उस पेड़ के पास क्यों गए, और यदि फल का समय नहीं है तो उस पेड़ ने क्या गलती की, और प्रभु ने उस पेड़ को क्यों सजा दी। इसका मर्म, इसका कारण क्या है, ये जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक इस घटना का मतलब नहीं समझ पाएंगे। अंजीर का पेड़ अपने हिंदुस्तान में ज़्यादा नहीं होता है, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में मैंने अंजीर का पेड़ देखा है, केरल में भी इधर उधर अंजीर के पेड़ दिखते हैं, लेकिन वो सब जंगली अंजीर हैं और उसमें जो अंजीर होता है वो खाने के काम का नहीं होता है। हिंदुस्तान में ज़्यादातर जगह जो अंजीर के पेड़ अपने को दिखाई देते हैं वो उसमें अच्छा अंजीर नहीं लगता है, बहुत ही कम ऐसी जगह है जहाँ पर अच्छा अंजीर हिंदुस्तान में होता हो, क्योंकि वो भारतीय फल नहीं है, मध्य पूर्व में होने वाला एक फल है। मध्य पूर्व में बहुत ज़्यादा ये पेड़ मिलता है, जिस तरह से अपने उत्तर भारत में आप जहाँ भी चले जाएं वहाँ नीम का पेड़ दिखता है। मेरा गांव ग्वालियर, वहाँ तो आप शहर के एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक चले जाइए, हर जगह नीम ही नीम दिखाई देगा, हजारों पेड़ है। नीम मनुष्य को वहाँ पर छाया भी देता है, मनुष्य को तसल्ली भी देता है। इसी तरह से मध्य पूर्व में आप जहाँ भी चले जाएं वहाँ सब जगह प्रभु यीशु के समय में अंजीर ही अंजीर होता था। सड़क के किनारे लगा हुआ नीम किसी का नहीं होता है, उसमें यदि किसी तरह का फल लगता हो, नीम में तो सिर्फ नीम का फल लगता है, पकने पे थोड़ा मीठा होता है, बच्चे लोग उसको थोड़ा बहुत चूस लेते हैं, हम भी बचपन में, हमने भी जब हम स्कूल से घर जाते थे और भूख लगती थी तो नीम का जो फल है ताज़ा ताज़ा यदि मिल जाता था चूस लेते थे, उसमें खाने के लिए कुछ नहीं होता था। लेकिन उस ज़माने में, मैं 1960 वगैरह की बात कर रहा हूँ, जब भारत में भोजन वस्तु वगैरह की बहुत कमी थी, तो उस समय नीम का फल ही बहुत मिल जाए तो वो बहुत बड़ी चीज़ थी, हम चूस लिया करते थे, और हमारे माँ बाप भी हमको प्रोत्साहित किया करते थे क्योंकि नीम में बहुत सारे औषधि गुण होते हैं। और सड़क के किनारे लगे हुए ये पेड़ किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती थी, उसमें से गिरा हुआ नीम का फल कोई भी खा सकता था, उसे हमारे इलाके में निम्बोली बोलते हैं। इसी तरह से प्रभु यीशु के ज़माने में मध्य पूर्व में आप किसी भी सड़क पर निकल जाइए, हर जगह अंजीर का वृक्ष लगा रहता था। वहाँ अंजीर के वृक्ष दो प्रकार के होते थे, एक जो लोगों ने अपने बगीचों में या बागानों में लगा रखे थे, जिसको वे पानी देते थे, खाद देते थे और कोशिश करते थे कि वह ज़्यादा से ज़्यादा उपज दे, और जब वो उपज देता था तो अपने अपने फार्म हाउस में जो पेड़ है उसके अंजीर को लेकर उसको सुखाकर सुरक्षित करके रख लेते थे। सूखे हुए अंजीर, मुझे उम्मीद है आप में से सबने खाए होंगे, यहाँ इस शहर में तो काफ़ी आता है, और महंगा होता है लेकिन काफ़ी आता है, जो वहीं मध्य पूर्व से आता है।
लेकिन सड़क के किनारे लगे हुए अंजीर किसी की भी संपत्ति नहीं होती थी और सड़क पर जाता हुआ थका भूखा यात्री उन अंजीरों से फल को तोड़कर खा सकता था। उस देश में रहने वाले लोग ये समझते थे कि किस मौसम में अंजीर होता है, अंजीर का जो भी मौसम होता है उस मौसम में अंजीर एकदम से फलों से भर जाता है। वो चूंकि किसी के फार्म हाउस में नहीं है, सड़क के किनारे लगे हुए पेड़ किसी की व्यक्तिगत या प्राइवेट संपत्ति नहीं है, इसलिए कोई भी उसमें से तोड़कर खा सकता था। इसलिए प्रभु जब उनको भूख लगी तो उस पेड़ के पास गए। लेकिन सवाल यह है, जब यहाँ लिखा हुआ है कि अंजीर का मौसम नहीं था तो प्रभु क्यों गए? मुझे या आपको, जिन्होंने अपने जीवन में जो रोज प्रतिदिन अंजीर नहीं देखते, हमको नहीं मालूम किस मौसम में अंजीर का फल देता है। लेकिन प्रभु जो मध्य पूर्व के ही निवासी थे, वे इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि अंजीर का फल किस मौसम में लगता है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि अंजीर का मौसम नहीं था। प्रभु अनजान नहीं थे, उस प्रदेश के निवासी होने के कारण प्रभु जानते थे कि किस मौसम में फल लगता है और किस मौसम में फल नहीं लगता है। तो अब सवाल यह है कि जिस मौसम में फल नहीं लगता उस मौसम में प्रभु क्यों उस पेड़ के पास गए? उस मौसम में प्रभु ने क्यों उस पेड़ से फल की उम्मीद की? और उस मौसम में जब अंजीर नहीं लगता, तब यदि उसमें अंजीर नहीं थे तो प्रभु उस पेड़ से नाराज क्यों हुए? उस पेड़ को शाप क्यों दिया? उस पेड़ की क्या गलती थी? इसका एक रहस्य है। वो रहस्य 13वें पद में हम देखते हैं, दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर। इसमें एक विशेषता है, यहाँ ये नहीं लिखा हुआ है कि दूर से अंजीर का एक पेड़ देखकर उसके पास गए, बल्कि यहाँ ये लिखा हुआ है दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर। इसके पीछे एक मर्म है या एक रहस्य है। अंजीर का अपना मौसम होता है, लेकिन अंजीर के कुछ पेड़, सारे पेड़ नहीं, कुछ पेड़ साल में दो बार फल देते थे। आपने ऐसा आम का पेड़ देखा है क्या जो मौसम में और बेमौसम फल देता है? ऐसा होता है। 100 में एक आम का पेड़ ऐसा होता है जिसमें साल के लगभग 12 महीने फल लगता है। बहुत कम होता है, ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन ऐसे पेड़ होते हैं। और ऐसे पेड़ मालिक के लिए तो बड़ा अनुग्रह का कारण होता है। क्यों? इसलिए कि जिस मौसम में आम नहीं लगता उस मौसम में यदि आपका पेड़ आम दे रहा हो तो उससे कच्ची कैरी तोड़ के आप बेमौसम में भी अचार बना लीजिए, बेमौसम चटनी बना लीजिए, बेमौसम आम का शरबत बना लीजिए। इतना ही नहीं, तोड़ के यदि आप दुकानदार को देंगे तो दुकानदार तो बहुत ऊंचे पैसे आपको देगा। क्यों? इसलिए कि ये आम का मौसम नहीं है, और इसलिए कहीं से आम मिल जाता है तो लोग शरबत बनाने के लिए, चटनी बनाने के लिए, अन्य उपयोगों के लिए बहुत पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिस तरह से आम का पेड़ वैसे तो साल में एक ही बार फल देता है, लेकिन कुछ बहुत ही सैकड़ों में से एक पेड़ दो बार फल देता है, और हजारों में से एक पेड़ साल भर फल देता रहता है। इसी तरह से अंजीर का एक स्वभाव था। अंजीर के सैकड़ों पेड़ों में एक पेड़ ऐसा भी निकल जाता था जो साल में दो बार फल देता था। तो जब मौसम नहीं है, ऐसे मौसम में जब वो फल देता था तो उसके चिन्ह के रूप में उसमें हरे पत्ते भी आ जाते थे। तो आप यदि सड़क पर जा रहे हैं और जहां अंजीर के पेड़ बिना पत्ते के या लगभग मुरझाए हुए पत्ते के खड़े हुए हैं, और उन सैकड़ों पेड़ों के बीच में यदि आपको अंजीर का एक ऐसा पेड़ दिखाई दे जिसमें हरे भरे पत्ते लगे हुए हो, तो गारंटी जानिए कि उस पेड़ में
फल भी होंगे। बेमौसम में जो अंजीर का पेड़ फल देता था उसका चिन्ह था, उसकी निशानी थी कि उसमें हरे भरे पत्ते होते थे, इसलिए प्रभु उस पेड़ के पास गए। मौसम नहीं था, लेकिन हरे भरे पत्तों का मतलब ये था कि बेमौसम में मुझ में फल लगे हैं। और सड़क किनारे लगा हुआ पेड़ था, जिसका मतलब ये था कि हे यात्री, मैं सिर्फ भावनात्मक तरीके से बोल रहा हूँ, अंजीर का पेड़ बोलता नहीं है, लेकिन उसमें पत्ते आए, जिसका भावनात्मक या भावात्मक मतलब ये था कि इस सड़क पर जाने वाले सारे यात्री गणों, तुमको यदि भूख लगी है तो सड़क के किनारे लगे हुए मुझ वृक्ष के पास आ जाओ। क्यों? इसलिए कि मुझ में तुम्हारे लिए फल है, और उस फल के प्रमाण के रूप में देख लो, मैं पूरी तरह से हरे भरे पत्तों से भरा हुआ हूँ। तो प्रभु जब उस सड़क पर जा रहे थे तो उस पेड़ ने जो प्रॉमिस किया, उस प्रॉमिस को देख के कि इसमें हरे भरे पत्ते हैं, जिसका मतलब है कि इसमें फल है, भूखे प्रभु उस पेड़ के पास गए जिससे प्रभु को कुछ मिल सके। पास जाने पे पता चला कि पत्ते तो हैं लेकिन संदेश झूठ है। संदेश क्या है? उस सीजन में जब हरे भरे पत्ते नहीं होते थे उस पेड़ में, उस सीजन में, उस मौसम में हरे पत्ते का मतलब है कि मुझ में फल भी है, लेकिन पास जाने पर प्रभु को पता चला कि यह तो झूठा संदेश था, यह गलत संदेश था। प्रभु ने इमीडिएटली उसको सजा दी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु इस संसार के सृष्टा हैं। एक पेड़ फल दे या ना दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रभु अपने शिष्यों को कई बातें सिखाना चाहते थे। हम जब 20 पद से आगे पढ़ते हैं तब प्रभु उनको जो बातें सिखाना चाहते थे वो सब एक एक करके देखते हैं, लेकिन उसमें से मैं आज सिर्फ एक बात आपको बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि ये अंजीर का पेड़ मुझे और आपको दिखाता है। सड़क के किनारे लगा हुआ अंजीर का पेड़, उस सड़क के किनारे जो थका भूखा यात्री जाता है, उस यात्री को दो चीजें प्रदान करता है। एक, उसको छाया प्रदान करता है, धूप से राहत प्रदान करता है। दो, सड़क के किनारे लगा हुआ अंजीर का पेड़ जो किसी की संपत्ति नहीं है, जो आम जनता की संपत्ति है, वो फल के समय भूखे को खाना देता है, भूखे को तृप्ति देता है। और ये देखा गया है कि अंजीर का पेड़ तो शरीर के लिए एकदम उत्तम भोजन है। इतना ही नहीं, अंजीर का पेड़ दवा भी है। उस जमाने में जब लोगों को फोड़ा हो जाता था तो बाकायदा पका हुआ अंजीर उसके ऊपर रख के बांध देते थे और उससे चंगाई मिलती थी। हमको ताज्जुब नहीं करना चाहिए, इसमें कोई ताज्जुब नहीं है। क्यों? इसलिए कि पेड़ों, पौधों, इवन घास में तमाम प्रकार के औषधि गुण होते हैं। अपन खुद जानते हैं कि यदि किसी का फोड़ा पक गया हो तो कच्ची हल्दी, सूखी हल्दी नहीं, कच्ची हल्दी को अच्छी तरह से पीस के उसके ऊपर रख दें तो उसको चंगाई मिल जाती है। तो इस तरह से अंजीर पेड़ लोगों को छाया देता था, फल लोगों को औषधि गुण भी देता था और भूख से तृप्ति भी देता था। यह अंजीर का पेड़ मुझे और आपको प्रदर्शित करता है। प्रभु ने इसीलिए उस पेड़ को शाप दिया था, जिससे शिष्य इस बात को समझ लें कि यह पेड़ जो लोगों को प्रॉमिस दे रहा है कि मैं तुमको फल दूंगा, इस पेड़ ने गलत प्रॉमिस किया तो उसको सजा मैं दूंगा। मेरे बच्चों, तुमको मैंने इस संसार में एक लक्ष्य के साथ रखा है, और उस लक्ष्य को पूर्ति करने के बदले यदि तुम झूठ बोलोगे, गलत जीवन जियोगे, तो मेरे प्रिय बच्चों, इसकी सजा तुमको निश्चित रूप से मिलेगी। यदि एक सामान्य पेड़ यदि ईश्वर की सजा से दूर नहीं है, तो मेरे बच्चे, तुम जिसको
अपने जीवन में मुझे हिसाब देना पड़ेगा। यदि तुम अपने जीवन में दूसरों को गलत रास्ता दिखाओगे, दूसरों के साथ झूठा प्रॉमिस करोगे, तो मेरे बच्चे उसकी सजा तुमको जरूर होगी। ये पेड़ ये प्रॉमिस कर रहा था कि मुझ में फल है, हरे पत्ते तो हैं, छाया है, फल है, और उस फल को भोजन के लिए और दवा के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब आइए हमारे स्वयं के जीवन की तरफ मुड़कर देखें। प्रभु यीशु के शिष्य, प्रभु यीशु के अनुयायी, जिन्होंने प्रभु से एक नया जीवन पाया है, जिन्होंने प्रभु के द्वारा मुक्ति पाई है, जो प्रतिदिन प्रभु के संग चलते हैं, या जिनसे प्रभु ये उम्मीद करते हैं कि वे प्रतिदिन प्रभु के साथ चलेंगे, वे संसार के सामने एक चित्र रख रहे हैं। क्या चित्र? प्रभु के द्वारा नया जीवन, प्रभु के द्वारा तसल्ली, और प्रभु के द्वारा जीवन की जरूरतों की पूर्ति। हम अपने समाज के वे अंजीर के वृक्ष हैं जो लोगों को ये चीज प्रदान करता है, और प्रदान करने के लिए प्रभु ने उन हमको इस समाज में रखा है। जरा सोचिए कि यदि सारे मध्य पूर्व में लोग अंजीर का पेड़ अपने फार्म हाउस में लगाते थे, जिससे कि खेती करके उसका फल ले सकें, तो ये सड़क के किनारे किन्होंने पेड़ लगाए? सड़क के किनारे भी उन्हीं लोगों ने पेड़ लगाए, पेड़ अपने आप नहीं उगता था। क्यों उन लोगों ने पेड़ लगाए, क्यों सड़क के किनारे वो लोग पेड़ लगाते थे? जिससे कि यात्रा करने वाले यात्री को छाया मिल सके, भोजन मिल सके। यदि किसी के पास पैसा नहीं है, तो भी अंजीर के सीजन में वो अपना पेट भर सके। एग्जैक्टली इसी तरह से आपको और मुझे प्रभु ने इस संसार में रखा है, एक लक्ष्य है। कभी आपने सोचा है क्या? कई बार लोग मुझसे कहते हैं, शास्त्री जी, जीवन से मैं थक गया हूँ, जीवन से मैं ऊब गया हूँ, जीवन से मैं हार गया हूँ, अब तो प्रभु से मेरी विनती है कि हे प्रभु, मुझे उठा लीजिए। प्रभु का बच्चा या प्रभु की संतान अपने जीवन में जब इस तरह की बात करता है, तो ये ईश निंदा है, ईश्वर की निंदा है। क्यों? इसलिए कि प्रभु ने मुझे और आपको एक विशेष लक्ष्य के साथ इस संसार में रखा है। प्रतिदिन के जीवन में वो लक्ष्य हमारे जीवन में पूरा होना जरूरी है। और जब हम कहते हैं कि मैं जीवन से हार गया हूँ, थक गया हूँ, हैरान हो गया हूँ, तो इसका मतलब यह है कि मेरे आपके जीवन में प्रभु ने जो लक्ष्य दिया था, वो लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है। हम जिस लक्ष्य की ओर हमें दौड़ना है, उस लक्ष्य की ओर दौड़ नहीं रहे, इसलिए हम थक गए हैं, इसलिए हम हार गए हैं। आप सब जानते हैं, आप सब ने बहुत मैच देखा होगा या देखे होंगे। एक उदाहरण लें, रेस। मान लीजिए कि 50 लोग दौड़ रहे हैं, पहले 3 लोगों को महापुरस्कार दिया जाएगा। बड़े उत्साह के साथ जो व्यक्ति दौड़ रहा है और बहुत आगे पहुंच गया है, अचानक यदि वो दौड़ना बंद करके, यदि वो पाले से बाहर निकल जाए कि अब मैं दौड़ना नहीं चाहता, आपको क्या लगेगा? अरे, इसका दिमाग खराब हो गया कि इसको फर्स्ट प्राइज तो मिलना ही था, और यदि फर्स्ट नहीं तो सेकंड प्राइज तो मिलना ही था। आप कभी इस तरह के रेस में दौड़े हैं क्या? मैं तो बहुत दौड़ा हूँ। स्कूल में जब भी रेसिंग प्रतियोगिता होती थी, तो मैं तो उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेता था, क्योंकि मैं बहुत तेज दौड़ने वाला था, और अक्सर फर्स्ट प्राइज लेके ही पाले से बाहर निकलता था। अब जरा सोचें कि मान लीजिए रेस
चालू है, दौड़ रहा हूँ और मैं अपने प्रतियोगियों को काफ़ी पीछे छोड़ आया हूँ और सबको मालूम है कि इनाम मुझे मिलेगा। अचानक मैं दौड़ना बंद करके पाले से बाहर आ जाऊंगा तो आप मेरे बारे में क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि अरे उसका दिमाग खराब हो गया है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। क्यों? अरे साफ दिख रहा था कि उसको तो इनाम मिलने वाला है, वो सबसे आगे दौड़ रहा था। जब हम ये स्टेटमेंट, ये कथन कहते हैं कि मैं जीवन से थक गया हूँ, तो मेरे आपके कहने का मतलब है कि प्रभु ने मुझे आपको जिस रेस में रखा है उसमें मैं अब दौड़ने से मना कर रहा हूँ। प्रभु ने मेरे आपके लिए जो रेस, जो दौड़ रखी है, उसकी एक विशेषता है। मनुष्य जब दौड़ने को कहता है तो सिर्फ तीन लोगों को इनाम मिलता है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। सोने का मेडल, चांदी का मेडल और कांसे का। लेकिन प्रभु ने मेरे आपके लिए ये जो दौड़ रखी है, इसमें इसकी विशेषता है ये कि जितने लोग लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे उन सबको प्रभु पुरस्कार देंगे। ये मनुष्य में और प्रभु में फर्क है, मनुष्य के रखे हुए दौड़ में और प्रभु के रखे हुए दौड़ में फर्क है। और इस कारण जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं तो थक गया हूँ, हार गया हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो कितनी बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि ये तो ऐसी दौड़ है जहाँ पर जो भी लक्ष्य पर पहुँचेगा दूसरे को हरा के नहीं। मनुष्य जो प्रतियोगिता रखता है उसमें दूसरे को हराना जरूरी है, प्रभु जो दौड़ हमारे लिए रखे हुए हैं उसकी विशेषता है उसमें दूसरे को हराने की जरूरत नहीं है। उसमें प्रभु हमसे सिर्फ इतना कहते हैं, बेटा यहाँ से चालू करो, सीधे दौड़ते चले जाओ और वहाँ लक्ष्य पर पहुँच जाओ। ये मत देखो कि तुम्हारे बगल वाला इधर वाला दौड़ रहा है या उधर वाला दौड़ रहा है, तुम तो दौड़ो, लक्ष्य पर पहुँचो और मैं तुमको पुरस्कार दूंगा। तो ये तो और भी विशेष दौड़ है। उस दौड़ में जहाँ हर किसी को जीतने की उम्मीद है, हर किसी को पुरस्कार दिया जाएगा, उसमें आधी दौड़ दौड़ने के बाद जब हम कहते हैं कि मैं थक गया हूँ, हार गया हूँ, हैरान हो गया हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, प्रभु मुझे उठा लीजिए, तो ये ईश्वर की निंदा है। जिस प्रभु ने मुझे और आपको दौड़ने के लिए सब कुछ रखा है उनकी निंदा है। अब इसका अंजीर के पेड़ से क्या संबंध है? संबंध मैं बताता हूँ। कौन है जो सब कुछ सही होते हुए भी निराश हो जाता है? सब कुछ होते हुए भी कौन है जो निराश हो जाता है? जिसकी आंखें लक्ष्य की तरफ नहीं है। मतलब प्रभु ने कहा कि बेटा इस संसार में जाओ, तुम हर मौसम में फल लोगों को प्रदान करो, हर मौसम में छाया प्रदान करो, हर मौसम में फल प्रदान करो, हर मौसम में उनके घावों पर पट्टी बांधो, उनके जख्म को चंगा करो। इन कार्यों को करने से जो व्यक्ति हिचकता है वो है ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर निंदा करते हुए कहता है कि मैं तो अपने जीवन से थक गया हूँ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम में से जितने लोगों ने भी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, हम में से हर व्यक्ति को वो नया जीवन पाने के बाद प्रभु ने एक लक्ष्य के साथ इस संसार में रखा। उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो कुछ चाहिए प्रभु ने वो हमको उपलब्ध करवाया है। उस लक्ष्य की तरफ दौड़ना हम मेरे आपके हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। मनुष्य की दौड़ में सिर्फ तीन लोग जीतते हैं, लेकिन प्रभु ने मेरे आपके लिए जो दौड़ रखा है इसकी विशेषता यह है कि दूसरे को हराने की जरूरत नहीं है। जहाँ से चालू करना है यहाँ से चालू करके जहाँ पहुँचना है वहाँ तक भागते रहें। प्रभु सिर्फ इतना चाहते हैं, दूसरे को हराना, दूसरे के साथ प्रतियोगिता नहीं। आत्मिक जीवन में ना तो दूसरे को हराना है ना दूसरे के साथ प्रतियोगिता करनी है। करना क्या है? जिस दिन प्रभु के साथ हमने दौड़ना या प्रभु के लिए दौड़ना शुरू किया, उस दिन से बिना थके हुए लक्ष्य तक दौड़ते रहें। आप कहेंगे कि शास्त्री सर बीच बीच में
थोड़ी बहुत तो थकावट, थोड़ी बहुत तो निराशा, बिल्कुल ठीक है, थोड़ी बहुत थकावट आती है, थोड़ी बहुत निराशा होती है, लेकिन ऐसी थकावट में और ऐसी निराशा में हमको आशा देने के लिए प्रभु ने अपना वचन रखा है, प्रभु ने अपने दास रखे हैं, प्रभु ने अपने वचन के शिक्षक दिए हैं। इन शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वे भाई और बहनों को प्रोत्साहित करें, और जब हम उनके द्वारा प्रभु के वचन को सुनते हैं तो जीवन में प्रोत्साहन पाते हैं। वापस जाके प्रभु के वचन को खोलकर प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तब हमको प्रभु के वचन से प्रोत्साहन मिलता है। प्रभु स्वयं भी हमारे साथ उस दौड़ में है, हमारी सुरक्षा करते हुए प्रभु भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारी मदद करते हैं। तो इस कारण मुझे और आपको ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि जिस तरह से सड़क के किनारे लगाया हुआ वो अंजीर का पेड़ था, जिससे ये उम्मीद की जाती थी कि वो थके हारे यात्री को छाया देगा, मौसम में उसको फल देकर उसको भूख से तृप्ति देगा, और यदि कोई चोट लगा है, किसी को चोट लगी है, तो उस चोट में वो दवा या मरहम का कार्य करेगा। उस अंजीर के समान मेरा और आपका जीवन है। उसको लोगों ने इसलिए लगाया कि सड़क जाते हुए हर व्यक्ति को उसका फायदा मिले। प्रभु ने मुझे और आपको नया जीवन पाने के बाद इस संसार में इसलिए रखा कि हर व्यक्ति को मेरे और आपके द्वारा उत्साह मिल सके। आप एकदम से कहेंगे कि शास्त्री सर, मैं ना तो ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, ना मुझ में कोई बड़ी योग्यता है, ना ही मेरे पास धन है, ना ही मेरे पास संसार के हिसाब से कोई बहुत बड़ी चीज़ें हैं, इस कारण मैं किस तरह से क्या दूसरे की मदद कर सकूँगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। इस हॉल में मेरी दाहिनी ओर आप देखेंगे तो एक चटाई पड़ी हुई है। यदि ये चटाई उठा के मैं मोड़ के आपकी गोदी में रख दूं तो आपको अच्छा लगेगा क्या? मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। सारे दुनिया भर का मैल उसमें है, उसे कोई मेरी गोदी में रखेगा तो मेरा क्या होगा? तो सवाल यह है कि यदि वो चटाई ऐसी चीज है तो उसको हम उठा के फेंक क्यों नहीं देते, उसको जला क्यों नहीं देते? जला इसलिए नहीं देते, उसको फेंक इसलिए नहीं देते कि वो वहां पर एक उद्देश्य के साथ रखा गया है, डाला गया है, जिससे कि इस हॉल में प्रवेश करने वाले को अपना पैर साफ करने का मौका मिले। आप कहेंगे तो शास्त्री सर, आपके कहने का मतलब ये है क्या कि मैं वो चीज़ हूँ जिस पर लोग पैर साफ करें? जी नहीं, मैं जो कह रहा हूँ उसका भावार्थ समझिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस हॉल में जितनी चीज़ें हैं हर चीज़ का अपना उपयोग है। आपने नोट किया होगा कि जब भी मैं संदेश देने के लिए आता हूँ तो अपने साथ स्टील के कप जरूर लाता हूँ। इसमें गर्मा गर्म अदरक की चाय है। कभी कभी जब गला सूख जाता है तो मैं उससे गला तर कर लेता हूँ। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप में इतनी बढ़िया चीज़ है, इतनी साफ चीज़ है कि मैं उसको मुंह से भी लगाने से हिचकता नहीं हूँ, मेरे लिए उपयोगी है। लेकिन एक बात बताइए कि इस हॉल में सिर्फ ये कप मेरे लिए उपयोगी है क्या? नहीं। इस हॉल में जो जितने गलीचे पड़े हुए हैं जो हमारे पैर को ठंड से बचाता है, वो भी मेरे लिए उपयोगी है। मेरी तो आदत है कि जब मैं किसी कमरे में या हॉल में प्रवेश करता हूँ तो वहाँ जो चटाई पड़ी रहती है उस पर पैर जरूर साफ करता हूँ। इनमें कौन सी चीज़ हमारे लिए जरूरी है? हर चीज़ जरूरी है।
हर चीज़ का अपना उपयोग है। तो उसका मतलब यह है क्या कि जब मुझे प्यास लगे तो मैं चटाई उठा के मुंह में रख लूं? जी नहीं, मुझे इन्फेक्शन और हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है क्या कि पैर साफ करने के लिए मैं गर्मा गर्म चाय अपने पैर पर डाल लूं? पैर जल जाएगा। हर चीज़ का अपना स्थान होता है, हर चीज़ का अपना उपयोग होता है। इसी तरह से प्रभु जब हमको इस समाज में रखते हैं, हम में से हर व्यक्ति को, चाहे हमारी योग्यता बहुत हो, पढ़ाई लिखाई बहुत हो, या हम कम पढ़े हो, हम में से हर व्यक्ति की जरूरत है। वहाँ उस समाज में हर व्यक्ति की जरूरत है, इसलिए प्रभु ने हमको वहाँ रखा है। इस कारण कोई भी व्यक्ति ऐसा ना कहे कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ इसलिए प्रभु के राज्य में मेरा कोई उपयोग नहीं है। प्रभु को पढ़े लिखे की भी जरूरत है, आधे पढ़े की भी जरूरत है, अपढ़ लोगों की भी जरूरत है। प्रभु को धनी की भी जरूरत है, औसत व्यक्ति की भी जरूरत है, गरीब की भी जरूरत है। हर समाज में लोगों का एक मिक्सचर होता है, हर प्रकार के लोग होते हैं। उसी तरह से प्रभु यीशु के अनुयायियों का जो परिवार है, उस परिवार में पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अक्षर ही नहीं बांचा है, धनी लोग भी होते हैं, गरीब लोग भी होते हैं, शरीर से तंदुरुस्त लोग भी होते हैं, कमजोर लोग भी होते हैं। प्रभु ने हर व्यक्ति को वहां एक उद्देश्य के साथ रखा है। आप यदि कहें कि भाई गाड़ी में टायर बड़ी गंदी चीज है क्योंकि उसमें तो सुबह से शाम धूल ही धूल है, कीचड़ ही कीचड़ है, गोबर से होके निकलता है, इसलिए हम गाड़ी से टायर हटा के रख देंगे और तब गाड़ी चलाएंगे, ऐसे कोई गाड़ी चलती है क्या? हर एक चीज का अपना उपयोग है। इस बात को जब हम पहचानते हैं तब इस बात को भी समझ लें, मेरे और आपके जीवन, चाहे हम कितने पढ़े लिखे हों या अपढ़ हों, चाहे किसी भी तरह की नौकरी करते हो, उस परिवार में हमारी जरूरत है। ऊंचे अंजीर के पेड़ की भी जरूरत है, नाटे अंजीर के पेड़ की जरूरत है, उस अंजीर की भी जरूरत है जिसके ब्रांचेस बहुत ज़्यादा फैले हुए हों, जिसमें बच्चे आराम से चढ़कर खेल सकें, झूला बांध सकें। हर प्रकार के पेड़ की सड़क के किनारे जरूरत है। उसी तरह से इस प्रभु यीशु के परिवार में हर व्यक्ति की जरूरत है और हर व्यक्ति से प्रभु कुछ ना कुछ उम्मीद करते हैं। इसको मन में रखकर इस बात को समझें कि प्रभु ने मुझे आपको इस संसार की जो यात्रा है, इस संसार की यात्रा के रास्ते पर दोनों किनारे मुझे और आपको अंजीर के समान लगा रखा है, जिससे कि दूसरे लोगों के जीवन में हम योगदान दे सकें। भूखे को भोजन, बीमार को दवा, थके हुए को छाया, बच्चों को खेलने और आनंद के लिए जगह, ये सारी चीज़ें देना जैसे उस अंजीर की जिम्मेदारी है, वैसे ही मेरी आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन एक शर्त, वो शर्त यह है कि मेरे आपके जीवन में झूठ नहीं होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए, धोखा नहीं होना चाहिए। इस अंजीर के पेड़ ने जब हरे पत्ते लगा दिए, जिस सीज़न में फल नहीं होते उस सीज़न में यदि उसमें हरे पत्ते आ गए, तो वो इस बात की घोषणा कर रहा है कि मैं सैकड़ों में से एक विशेष अंजीर हूँ जो उस मौसम में भी फल दे रहा है जिस मौसम में बाकी अंजीरों में फल नहीं है। वो यात्रियों के लिए इस बात का न्योता था, भूखे हो, उन पेड़ों में फल नहीं है, कोई बात नहीं है, मेरे पास आओ, मैं तुमको फल दूंगा। प्रभु उस अंजीर के पास इसलिए गए थे क्योंकि उस अंजीर ने जाने वाले लोगों को एक प्रॉमिस दिया था, एक उनको एक आशा दी थी कि मुझ में हरे पत्ते हैं इस सीज़न में, इस कारण फल भी होंगे। और जब प्रभु उस पेड़ के पास गए तो पता चला कि उसमें फल नहीं,
ये हरे पत्ते तो सिर्फ ये तो सिर्फ धोखा था। तब प्रभु ने कहा कि आइंदा तुझ में कभी भी फल ना लगे। मेरा और आपका जीवन जब हम इस संसार में रहते हैं तब अंजीर के समान है। संसार के लोगों को जब हम प्रॉमिस देते हैं कि मेरे पास आओ मैं तुमको मुक्तिदाता के पास ले जाऊंगा, मुक्तिदाता से जो तसल्ली मिल सकती है मैं तुम्हारे साथ वो शेयर करूंगा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, जब हम इस तरह की बातें लोगों से बोलते हैं तो वो सच्चा होना चाहिए। हमारा जीवन कुल मिला के कहा जाए तो हमारा जीवन, हमारा आत्मिक जीवन दिखावा नहीं होना चाहिए, हमारा आत्मिक जीवन असल होना चाहिए, असली होना चाहिए। कभी आप मोबाइल फोन के लिए खरीदने के लिए दुकानों में गए हैं क्या? मोबाइल फोन खरीदने के लिए दुकानों में जाएंगे तो बड़ी दुकान होगी तो एक से एक महंगे मोबाइल फोन सामने रखे रहते हैं, लेकिन यदि आप हाथ बढ़ाकर उसको उठाएंगे तो पता चलेगा कि वो तो सिर्फ मोबाइल का खोखा था, अंदर कुछ नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो सैंपल है। हाँ, सैंपल के लिए रखा गया है, उसमें कोई धोखा नहीं है, लेकिन यदि दुकानदार आपसे 50,000 रुपया मोबाइल के लिए ले ले और उसके बाद वो एक खोखा आपको पकड़ा दे मोबाइल के बदले तो धोखा है। इसी तरह से जब हम इस संसार में प्रभु के अनुयायियों के रूप में जीवन बिताते हैं तब मेरे और आपके जीवन से लोगों को जो मिलना चाहिए वो सिर्फ बाहरी खोखा नहीं, असली होना चाहिए, फल होना चाहिए। यह है प्रभु के कहने का मतलब। प्रभु यीशु ने, जो इस संसार के सृष्टा हैं, उन्होंने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो अकारण हो। प्रभु ने जो कुछ किया सबके पीछे कारण था। संसार के सृष्टा इस बात को जानते थे कि इस अंजीर के पेड़ में फल नहीं है, इसके बावजूद प्रभु संजीर के पास गए, शिष्य लोग भी गए, उनको भी, उनमें से किसी ने नहीं टोका, उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रभु इस सीजन में तो फल नहीं है। उनको भी ये बात मालूम थी कि इस मौसम में यदि उसमें हरे पत्ते हैं तो उसमें बेमौसम फल भी होगा। पहुंचे तो पता चला कि यह तो धोखा था। प्रभु ने उस पेड़ के साथ जो किया वो शिष्यों के लिए पाठ था। मेरे बच्चों याद रखो, तुम्हारा जीवन सच्चा होना चाहिए, तुम्हारा जीवन असल होना चाहिए, तुम्हारे जीवन में तुम मुंह से जो कहते हो वो तुम्हारे कर्म से दिखना चाहिए, तुम्हारे कर्म में प्रकट होना चाहिए। आज प्रभु हर भाई और बहन की मदद करे कि हम जरा मुड़कर अपने जीवन को देख सकें। जब प्रभु यीशु के एक अनुयायी समाज में कहीं जाता है तो समाज में हर व्यक्ति उससे उम्मीद करता है कि ये व्यक्ति सच्चा, खरा, दूसरों के साथ दया दिखाने वाला, दूसरों की जरूरतों में उनके लिए प्रार्थना करने वाला होगा। लोग ये भी उम्मीद करते हैं कि वो झूठ नहीं बोलेगा, अपने जीवन में वो कपटी नहीं होगा, धोखा नहीं देगा। जरा मैं और आप अपने स्वयं के जीवन को जांच कर देखें। जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ लोग हमको किस नज़रिए से देखते हैं, जिस नज़रिए से हमको देखते हैं क्या हमारा जीवन वाकई में उस प्रकार का है। वे हमारी तरफ देखते हैं तो वे उम्मीद करते हैं कि अंजीर के समान हम उनको छाया देंगे। हम देते हैं क्या? वे उम्मीद करते हैं कि अंजीर के समान मौसम में हम उनको फल देंगे, मीठा फल देंगे, पर्याप्त फल देंगे, जिससे कि भूखा खा के तृप्त हो जाए और अपनी जरूरत के लिए फल तोड़कर अपने थैले में डाल ले। क्या हमारा जीवन इस तरह का जीवन है? इतना ही नहीं, जब बाकी किसी भी पेड़ में फल नहीं है तब भी हमारा पेड़ हरा भरा दिखता है तो लोग ये उम्मीद करते हैं कि बाकी किसी से कोई उम्मीद नहीं है लेकिन इस भाई से या इस बहन से मैं अपने जीवन में कुछ ना कुछ उम्मीद रख सकता हूँ। क्या आपका जीवन इस तरह का है? आज अपने जीवन को जांच कर देखने के लिए प्रभु हमारी मदद करें। इसके साथ साथ प्रभु ने शिष्यों को एक बात और बताई थी
यदि प्रभु की संतान, प्रभु का बच्चा, प्रभु का बेटा, प्रभु की बेटी यदि दूसरों को धोखा देता है तो वो ये याद रखे कि प्रभु की तरफ से उसको सजा मिलेगी, और वो सजा एकदम से फास्ट, उसमें देर नहीं लगेगा, तुरंत सजा मिलेगी। उस पेड़ से प्रभु ने कहा और अगले सुबह वो पेड़ सूखा हुआ मिला। ऐसा ना सोचें कि मैं और आप दूसरों को धोखा देके बच जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। इन बातों के संदर्भ में अपने जीवन को जांचने के लिए, और यदि मेरे आपके जीवन में किसी तरह का बदलावट चेंज बदलाहट यदि हमको करने की ज़रूरत है तो प्रभु हमारी मदद करे कि हम अपने आप को बदल सकें, प्रभु के ऊपर आश्रय रख सकें और एक फलवंत अंजीर के समान हम जी सकें। इस संदेश को बंद करने से पहले, इस पुलपित से हटने से पहले एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, जो मैं हर संडे आपको याद दिलाता हूँ, वो यह है कि यदि आपने अपने जीवन में प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके प्रभु यीशु के द्वारा नया जीवन नहीं पाया है तो जीवन की उपेक्षा ना करें। प्रभु यदि अपने बच्चों को सजा देते हैं तो जिन्होंने कभी प्रभु को ग्रहण नहीं किया है वे जैसा बोएंगे निश्चित रूप से वैसा काटेंगे। ऐसा ना हो। मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, यदि आपको प्रभु यीशु के द्वारा जो नवजीवन हमको मिलता है, जो नया जीवन मिलता है, उसका अनुभव नहीं हुआ है तो इस सभा के बाद हम में से किसी से बात कीजिए, हम इस बात को विस्तार से आपको समझाएंगे जिससे कि आप प्रभु यीशु के द्वारा इस नए जीवन को पा सके। आज इस तरह से आकर प्रभु के वचन का अध्ययन करने के लिए और व्यावहारिक जीवन के बारे में इतनी बातें देखने के लिए प्रभु ने हमारी मदद की, उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। बहुत ही ध्यान से आप लोगों ने ये बातें सुनी, आपका शुक्रगुजार हूँ। प्रभु आप सबकी मदद करे। जय मसीह की।